हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का जो है एक्चुअली ट्रेनिंग कैसे रेलवे में करवाया जाता है और उसका पोस्टिंग कहाँ होता है और उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स बताने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली जब आपकी पोस्टिंग होगी किसी न किसी डिवीजन में होगी या जोनल हेडक्वार्टर में होगी, तो उसके बाद एक्चुअली इसका ट्रेनिंग कैसे करवाया जाता है। जनरली डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का जो है आपकी जो पोस्टिंग होती है या तो आपके जोनल जो हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे होगी या डिवीजन में होगी या सब डिवीजन में होती है। सब डिवीजन कहने का सेंस असिस्टेंट इंजीनियर का जो ऑफिस होता है उसमें हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में जो है आपको डिवीज़न में ही पोस्टिंग होता है, उसके बाद या तो जोनल जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी होता है। तो एक्चुअली आगे का प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअली ट्रेनिंग कैसे होता है। इसका जो ट्रेनिंग का जो पीरियड जो होता है 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन का। तो एक्चुअली 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें जो है एक्चुअली जो वर्क डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन को करना रहता है वो ऑफिशियल वर्क होता है। तो ऑफिशियल जो वर्क होता है तो आपको जो है ऑफिस में ही ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसी न किसी आपके जो सेक्शन इंजीनियर डिवीजन ऑफिस के अंदर जो इंचार्ज वगैरह रहेंगे उनके अंदर बोलेगा कि आप कोई ना कोई आपको एक्चुअली बता दिया जाएगा काम करने के लिए। जो आपके इंचार्ज रहेंगे वो बताते रहेंगे ये करो वो करो और वैसे आप करते रहेंगे। और उसके बाद जो है कैट वगैरह अगर आता है आपको तो अच्छी बात है। एक्चुअली उसका क्या है कभी कभी यूज पड़ जाता है। एक्चुअली जो है ड्राइंग वगैरह तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ही बनाता है लेकिन आपको चेक वगैरह करना पड़ता है कभी कभार। अगर आपके जो जो है हायर जो ऑफिसर जो है जिनके अंडर आप काम करेंगे डीएन या सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन वगैरह, तो अगर वो बोलेंगे इसमें करेक्शन करो तो उस केस में जो है आपको करेक्शन करना पड़ता है। तो अगर कैड वगैरह आता है ऑटो कैड वगैरह तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो कोई ऐसा समस्या नहीं है। दूसरे जो लोग रहेंगे वो करेंगे, आप दूसरा काम करेंगे। और दूसरा क्या है कि आपको जो ट्रेनिंग जो होता है 1 साल का होता है। 1 साल आपको बताया कि किसी न किसी जो डिवीज़न में जो इंचार्ज होगा, जो जैसे कोई ब्रिज का वर्क देखता है, कोई जैसे हेडक्वार्टर वगैरह का जैसे OMS का प्रोग्राम देखता है, बहुत सारे वर्क्स रहता है उसमें। कोई टेंडर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड अपलोड वगैरह करता है, तो बहुत सारे वर्क रहते हैं ऑफिस में। तो आपको जैसे ये जो है आपके जो ऑफिसर कंसर्न ऑफिसर जो है बताएंगे उस अनुसार जो है आपको काम करना पड़ता है। तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग बताया आपको ऑफिस के अंडर ही होगा, किसी न किसी आपके जो सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज रहेंगे उनके अंडर आपको काम करना है। उसके बाद जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है एक ओरल जो होता है मौखिक आपको जो है कंसर्न जो सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन जो होंगे उस डिवीज़न के या अगर जोन में अगर आप जॉब करते हैं तो जोन के जो आपके कंसर्न जो हेडक्वार्टर के जो हेड होंगे उन वो जो है आपको ओरली जो है कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे और क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे उसके बाद जो है फाइनली आपकी जो है पोस्टिंग जो है कर दी जाती है। वैसे भी आप ऑफिस में रहेंगे तो आपके बारे में सारा चीज़ जानकारी कंसर्न जो ऑफिसर है उनको रहता ही है कि क्या इनको करने आता है और नहीं करने आता है। जनरली ऑफिस से रिलेटेड वर्क ही रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क रहता है, लेटर वगैरह जो आता है उसी को जो है जैसा आपको लेटर आता है जैसे सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के नाम से सीनियर डीएन के नाम से डीएन के नाम से, तो वो लोग फिर क्या है उस अनुसार आपको बोलेंगे ऐसे इसको मॉडिफाई करो ये चेंजिंग लाओ, तो जैसे कहेंगे वैसे आपको चेंजिंग करना पड़ता है उस चीज़ में। तो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है और इसका एग्जाम वगैरह नहीं होता है। जनरली जो एग्ज़ाम आपको बताए ओरली होगा, मौखिक जो है वो जो आपके हेड ऑफिसर होंगे सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन किसी भी डिवीज़न के, तो वो आपको जनरली मौखिक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद आपको पोस्टिंग का लेटर निकाल देंगे फाइनली पोस्टिंग का। और आपका जॉब पता ही है ऑफिस में ही होता है तो आपको ओपन लाइन वगैरह से कोई मतलब है नहीं, जैसे PVA वगैरह में होता है तो उससे आपको कोई रिलेशन ही नहीं है कहने का सर। आपको सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड जो वर्क है जो कंसर्न ऑफिसर जैसा जैसा कहेंगे आपको वो काम करना पड़ता है। आगे देखते हैं फिर इसका क्या है
और सारा बता ही दिया आपको, और इसका जो प्रमोशन का जो स्कोप है, आप जो कंसर्न जो डिजाइन एंड ड्राइंग का जो स्टाफ रहेंगे उनके सीनियरिटी के बेसिस पर जो है आपका भी एक्चुअली प्रमोशन का एक्चुअली स्कोप बढ़ेगा। क्या है कि डिजाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट काफ़ी कम होता है, तो उसी अनुसार आपकी प्रमोशन का भी स्कोप रहता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि इसका ट्रेनिंग पीरियड वगैरह कैसे करवाया जाता है, और दूसरा इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। और एक्चुअली ये जो जॉब है ये आपको अच्छा जॉब है, अगर आपको ऑफिस में ही काम करना है, ओपन लाइन से दूर रहना है, तो ये जॉब काफ़ी अच्छा है। ऑफिस में ही आपको रहना है, डिवीजन ऑफिस या जनरल हेडक्वार्टर ऑफिस या सब डिवीजन, यही तीन जगह पोस्टिंग जनरली होती है। इसके अलावा रेयर केस में कहीं और जगह आपको करें तो, और दूसरा जितना भी ऑफिस का जो वर्किंग वगैरह जो होता है, जो कंसर्न ऑफिसर के साथ रहता है, वो डीएनडी एंड एस्टिमेशन के ही एक्चुअली जेई और एसएससी होते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।